हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से। ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो एक नया अपडेट है निकल के आ रहा है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई अपडेट क्या है। ठीक है, खुशी की बात थी बहुत की, मतलब अच्छा अपडेट निकल के आया था और फॉर्म जो है भरे जाने वाले थे अनुदेशक भर्ती के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं, रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट। तो यहां पे जो नोटिस आया है इसके बारे में अगर बात करें तो भाई ये रहा आपका नोटिस। नोटिस में इन्होंने क्या कहा है, नोटिस में इन्होंने कहा है दोस्त कि आवश्यक सूचना ये है, आप यहाँ पे डेट दे सकते हो कि 22 मई को ये नोटिस जो है निकल के आया है। और इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है भाई कि विज्ञापन संख्या 7/2023 की 36/2023 व्यवसाय निदेशक के विभिन्न पदों के अंतर्गत रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी आई थी, डिप्लोमा या डिग्री वालों के लिए थी नहीं, तो यहाँ पे क्या है आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/5/2023 से 22 जून तक रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तैयार सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि, यानी कि कोई टेक्निकल एरर आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टेट की भर्ती है, इसमें इस तरह के एरर आते रहेंगे आगे भी। तो तकनीकी त्रुटि के कारण दिनांक 23/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। तो सॉफ्टवेयर की तकनीकी सुधार होने के पश्चात यथाशीघ्र आवेदन प्राप्त करने की तिथि के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अभी कोई निश्चित नहीं है कि कब जो है फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद भरा जाएगा या 15 दिन बाद भरा जाएगा। तो एक तरह से भाई अभी को सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में आप जानते हो 80 नंबर आपके से टेक्निकल पूछे जाएंगे, 20 नंबर जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे। टेक्निकल पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बहुत ही जल्द हम मॉक टेस्ट भी अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा देंगे। तो वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो आप दे पाओगे। बाकी सारी प्रक्रिया दोस्त, सारा कुछ मैंने इसके डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस किया है, आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। हालांकि अभी आपको इंतजार करना होगा और इनके नए नोटिस की जो है प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर उसके लिए वेट करना होगा कि भाई कब इनका सॉफ्टवेयर सही होगा, तो कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई यूट्यूबर आपको बताए या ना बताए, यहाँ पर आप जाना btsc.bih, यानी कि बिहार वाला bih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप भी चेक करते रहना, अपने से किसी के भरोसे मत रहना भाई, कोई बताएगा तब जो है फॉर्म, वैसे अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।